Hey guys, welcome back. This is Varu and अगर आपने मेरा last video देखा हो तो उसमें मैंने एक abstract painting बनाई थी with the help of candlestick. आज मैं candlestick पे painting बनाने वाली हूँ. Yes, मैंने candlestick के help से तीन different shape के baseboard बनाए हैं और उसपे मैं तीन different painting बनाने वाली हूँ. So let's start the video. Candlestick painting बनाने के लिए हमें पांच चीजों की जरूरत पड़ेगी. Color, painting brush, candlestick, glue and chart paper. मैंने glue, कैंडीस्टिक एंड चार्ट पेपर का यूज करके पेंटिंग के लिए तीन कैंडीस्टिक बेसबोर्ड बना लिए हैं. ये बनाना काफी सिंपल है. इसे बनाने के लिए आपको एक कटिंग चार्ट पेपर लेके ग्लू के यूज से इक्वली कैंडीस्टिक को लगा लेना है एंड उसके पीछे बेस के लिए दो कैंडीस्टिक को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा देना है ताकि ये जो हमारा बेसबोर्ड है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बने. दूसरा बेसबोर्ड भी मैंने इसी तरीके से बनाया है, बस इसमें मैंने कैंडीस्टिक को थोड़ा जिगजैग तरीके से लगाया है. थर्ड बेसबोर्ड भी मैंने सेम तरीके से ही बनाया है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें मैंने कैंडीस्टिक को चार्ट पेपर पे थोड़ा वेवी शेप में लगाया है एंड पीछे एक कैंडीस्टिक को मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया है ताकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहे. अब हम इन तीनों कैंडीस्टिक बेसबोर्ड पर पेंटिंग बनाएंगे. यहाँ पर मैंने पेंटिंग बनाने के लिए एक्रेलिक कलर्स का यूज किया है. आप कोई और सॉलिड कलर्स का भी यूज कर सकते हो. अब मैं इन बटरफ्लाइज पर ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ. आप चाहे तो इन्हें ब्लैक भी रख सकते हो, ये ऐसे भी काफी ब्यूटीफुल लगेंगे.
अब हमारी तीनों कैंडलस्टिक पेंटिंग रेडी है। आप इन्हें होम डेकोर के तौर पर कहीं भी लगा सकते हो, आप अपने चाइल्ड रूम में भी लगा सकते हो। ये चाइल्ड रूम में काफी क्यूट एंड प्रीटी लगेंगी। आप चाहो तो अपने हॉल में भी लगा सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे।